फॉर्म ऑफ आर्ट है। अभी हमने बाहर देखा ना कि आर्ट का एक ऐसा फॉर्म जहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश में भीगी हुई एक वुमन है और बहुत कुछ उसके साथ कहती हुई कविता भी थी जो हमने देखी, उसी का एक्सटेंशन मतलब आर्टिस्ट क्या क्या कर सकते हैं अपने कलर से, अपने ब्रश से और अपने दिमाग से, इसका जीता जागता उदाहरण है स्वाति जी जो कि इस समय हमारे सामने है। हाय स्वाति, आपका आर्टवर्क हम बाहर से देखते आए और सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट किया वो थी मतलब पेंटिंग उनके संग जो एक वो है, आप ही उसके बारे में। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। नमस्ते, मैं स्वाति राखोंडे मुंबई वरुण। आज मैंने म्यूज़ियम में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में JMD एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बोधवर द्वारा प्लैनेट आर्ट कला सम्मान का एग्जीबिशन अरेंज किया है। हम टोटल 25 आर्टिस्ट है। तो ये मेरा वर्क है वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके बारे में आपको बताती हूँ। आर्ट फील्ड में ये मेरा थोड़ा यूनिक फॉर्म है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि ये आप कैसे बनाते हो, तो एक्चुअली ये मेरा इनोवेशन है। तो इसमें मैंने कलर वाइज और बैकग्राउंड वाइज ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। वेरी नाइस। और इस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो एक जैसे कि ये लेडी है किसी का इंतजार कर रही है ना, अनलाइक ना तो ये मेरा पूरा सीरीज है। उसकी जो नायिका है वो किसी का वेट करिए, मतलब इसमें दो फॉर्म है। एक तो मैंने ये खुद से इनोवेट किया है। दो फॉर्म मतलब एक जो नायिका है वो किसी का वेट कर रही है और उसको मैंने थोड़ा फॉर्म देके उसको दोनों का कम्बिनेशन बनाया है। इंतजार और बारिश की, हाँ, तो ऐसा मतलब है कि इतना पानी हो के भी वो कैसी है, उसका जो मटका है वो भी खाली है। ये आगे ये वाला इसमें थोड़ा लैंडस्केप दिखाया है, ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म है। इसमें भी बारिश हो रही है, पेंटिंग होता है। तो ये पेंटिंग में थोड़ा मैंने एंशियंट लुक दिखाया है। थीम वही है, एक लेडी किसी का वेट कर रही है और उसमें दो फॉर्म्स है। ये तो मेरा यूनिक फॉर्म जो मेरे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाया है और ये मेरे पेंटिंग की नाइट है। शी इज वेटिंग फॉर समवन। ओवरऑल इतना सब पानी होके भी वो प्यासी है क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रही है, ऐसा मीनिंग है। और इस इंतजार में वो इतनी मगन है कि जो ये बारिश, इतनी खूबसूरत बारिश हुई है उसका भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सबका ये पेंटिंग ही सबसे सह देता है। थैंक यू सो मच फॉर, बहुत सुंदर। और आपने जो ये किया है कि इतने सारे आर्टिस्ट को एक दिन, थैंक यू।